ठीक है। अब इधर देखिए तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये 9 और नीचे देखिए ये -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। अब इन पे हमको ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है 3p की वैल्यू है 30, तो एक्स एक्सिस पे 3 यही होगा, ठीक है ना, यही होगा 30, ये पॉइंट पी होगा 30। और दूसरा है 79, एक्स एक्सिस पे 7 ये, और वाई एक्सिस पे 9 ये, ठीक है ना। तो यहां पे आकर के ये मिलेगा पी के क्यू 79, ठीक है, और ये 30 है, ये Q है, ये P है। अब R कह रहा है -69, तो -6 ये है, ठीक है, X एक्सिस पे -6 है और Y एक्सिस पे 9, तो A ये आ रहा है 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा P Q हो गया, अब ये हो गया R, -69 कोऑर्डिनेट है इसका। S क्या है, -20, एक्स जो है -2 है ये, और 0 मतलब यही होगा, एस जो है पॉइंट एस है, ठीक है ना। ये क्या है -3, ये 30 है और ये -20 है। अब इनको आप ज्वाइन करा दीजिए, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कराइए। तो देखिए ये इससे ज्वाइन करा रहे हैं, ये अब इसको इससे ज्वाइन करा दें, और इसको इससे ज्वाइन करा दीजिए, अब देखिए क्या बन गया है, ये है पी क्यू आर एस। इस फिगर को देख करके आप बता सकते हैं कि कौन सा फिगर है। अगर इस फिगर को आप देखिए, इस फिगर को आप कौन सा फिगर बोलेंगे, आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा, बताया गया होगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये कौन सा फिगर है, ये क्या है, पहला आंसर क्या है, ये रॉम्बस है, ठीक है ना। ये क्या है, ये पी क्यू आर एस क्या है, ये रॉम्बस है, ठीक है ना। इसमें जो है क्या कहते हैं, अरे सॉरी, पी क्यू आर एस क्या है, ये वो है, क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम, ये पी क्यू आर एस ट्रेपेजियम है, ठीक है ना। तो पी क्यू आर एस इज द ट्रेपेजियम। अब इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है, क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। अब देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ये साइड और इस साइड का सम, तो ये कितना है, यहां से ध्यान दीजिए, तो क्या कहते हैं, ये क्या होगा, क्यू आर होगा, और ये क्या होगा, पी, ये होगा पी एस, ठीक है ना। ये क्यू और आर है और ये पी और एस है, तो हम क्या लिख देंगे, सम इज इक्वल टू यहां पर हाफ इंटू पी क्यू क्यू आर प्लस आर एस। और हाइट क्या होगा, हाइट पर ध्यान दीजिए, तो हाइट क्या होगा, यहां से यहां तक का देखा जाएगा, तो हाइट क्या होगा इसका, 9 ही होगा, तो इंटू 9 कर दें, ठीक है। अब पी क्यू का डिस्टेंस देखिए,
पी क्यू का डिस्टेंस क्या होगा, यहां से काउंट करना शुरू करिए तो क्या कहते हैं, ये होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11 तक जा रहा है, ठीक है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक जा रहा है, ठीक है ना। और उसके अलावा यहां देखिए तो ये क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5 तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 × 13 + 5 × 9, ठीक है। अभी कितना हो गया, 13 + 5 = 18 × 9, तो 2, 9 + 18 तो ये हो जाएगा 81 यूनिट आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके के प्रॉब्लम्स इस तरीके से लगाए जाते हैं। आपको आगे और प्रॉब्लम्स लगाने के लिए मैं दूंगा, आप उसको लगाइए, क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है क्वेश्चन, प्लॉट द पॉइंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, प्लॉट द पॉइंट ए 1, 4.5, बी -10, सी -1, 4.5, ठीक है, और डी 30, डी क्या है 30। अब आपसे क्या कह रहा है, नेम द फिगर ए बी सी डी। फर्स्ट प्लॉट क्या है, नेम द फिगर ए बी सी डी, और सेकंड क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ए बी सी डी, फाइंड द एरिया ऑफ ए बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए, प्लॉट द पॉइंट पी -3, 4 क्यू 1, 1, 1, 1 ऑन ग्राफ पेपर, What is the distance of point P and Q? What is the distance of point P and Q? P and Q from x-axis. Find the vertical distance between P and Q. Find the vertical distance between P and Q. ठीक है, और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन और आपको बता रहा हूं मैं,
और क्वेश्चंस आप अपने क्या कहते हैं बुक से लेकर के लिखिएगा, इन दोनों को प्लॉट करिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन आपके बुक में भी दिए हुए हैं, उसको पहले पूरा कर लीजिए, तब हम और क्वेश्चंस देंगे। ओके, थैंक यू।